हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एमी स्वाद में। आज हम बनाएंगे बटाटे वड़ा। तो बटाटा वड़ा बनाने के लिए यानी कि आलू के वड़े हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 5 बड़े आलू ही लिए थे। पहले मैंने इसे उबाल के लिया है और यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन का आटा लिया है। तो सबसे पहले हम बटाटे वड़े के लिए घोल बना के लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन का आटा लिया है। इसमें मैं 1/4 टीस्पून हींग डालूंगी, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे अजवाइन डालूंगी। तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके डालूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और यहाँ पे अदरक लहसुन की पेस्ट में थोड़ा सा इसमें डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, टेस्ट के लिए थोड़ा सा डालूंगी और इसका हम बैटर बना लेंगे अच्छे से। तो थोड़ा पानी डाल के हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे। इसमें गुडली आना रहे इसका हम अच्छा सा पतला बैटर बना लेंगे। आप इसमें हरा धनिया भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन हरे धनिया का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। और थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें। तो देखिए इस तरह से हमें इतना पतला बैटर चाहिए इसका। अब इसे हम साइड में रखेंगे, तब तक हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए पहले हमें आलू को क्रश कर लेंगे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में, हाथों से इस तरह से उसे, ज़्यादा मैश नहीं करना हमें। देखिए इस तरह से तो देखिए इसे हमने अच्छे से मैश कर लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसका हम यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई को रख दिया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तो मैं 1 चम्मच तेल डालूंगी, उसमें 1 चम्मच राई डालूंगी। यहाँ पे अब राई चटकने लगी तो इसमें हम करी लीव्स डालेंगे। 10 जगह हम करी लीव्स डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और लहसुन के 2-3 के लिया, इस तरीके से इसे बारीक कर ली मैंने। अब अगर मिर्ची ज़्यादा पसंद करते तो इसमें और मिर्ची मिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के इसमें डाल दिया और इसे थोड़ा सा 1 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। तो यहाँ पे मैं छोटा चम्मच है 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी और इसे भी मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। और 1/2 चम्मच यानी कि टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नमक डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टफिंग बनके तैयार है। तब इसे हमें एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इसे हमने एक बॉल में निकाल लिया। अब इसे ठंडा होने के बाद इसके हम बॉल बनेंगे। तो आपको जितनी छोटी बड़ी साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसके बॉल बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे इसे ठंडा होने के बाद इसके बॉल बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे ये बॉल बना लिए। अब हम इसे इस घोल में मिला के फ्राई कर लेंगे। अब इस घोल में हम
थोड़ा सा चुटकी भर हम खाने वाला सोडा डालेंगे। तो यहाँ पे हम बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके देखिए इस तरह से हमें ये घोल बनाना है। यहाँ पे हम तेल को जब तक गर्म करने को रखेंगे, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे तेल गर्म करने को रखा है और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम बटाटे वड़े बनाएंगे। तो एक बॉल लेंगे इस तरह से आलू का और उसे हम इसमें से डिप करेंगे इस तरह से, और इसमें हम तेल में छोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसी तरह हम सभी को डाल देंगे। इसे हम इस तरह से पलट देंगे। बन चुके, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया बन गया ये और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आ गया। अब इसे निकाल लेंगे हम। वापस हम इसमें बाकी के सारे डाल देंगे। और एक चम्मच से इसे इस तरह से हल्के हाथों से पलट लेंगे। अब गैस के फ्लेम को हम थोड़ा हाई कर रखेंगे। ये हो गया, अभी अब इसे निकाल लेंगे हम। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे बटाटे वटे बनके तैयार है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है देखिए। और इसे आप सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं और पाव पाव में भी खा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे बटाटे वड़े, आलू के वड़े बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।